लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। संचालन सद्भावना के तहत थाथरी में व्यावसायिक मशरूम उत्पादन परियोजना का उद्घाटन समारोह। भारतीय सेना लगातार रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देने के साथ क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। इस भावना को जारी रखते हुए उन्होंने 20 जुलाई 2022 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत थाथरी में एक वाणिज्यिक मशरूम खेती परियोजना का उद्घाटन किया। यह नया प्रशिक्षण कार्यक्रम एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें थाथरी क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्रों के 10 स्थानीय लोगों का चयन किया गया और उन्हें परियोजना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और कृषि कच्चे माल के साथ साथ वैज्ञानिक कृषि तकनीक भी प्रदान की जाएगी। परियोजना के चयनित लाभार्थी आतंकवादी हमलों के शिकार, अस्थायी रूप से अक्षम मारे गए आतंकवादियों के परिवार के सदस्य और गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। प्रशिक्षण उन लाभार्थियों द्वारा प्रदान किया जाएगा जिन्होंने सेना और जिला कृषि विभाग के निरंतर पर्यवेक्षण के तहत मशरूम खेती के पिछले कई वर्ष की सद्भावना परियोजना में उत्कृष्ट भाग लिया था, जिसमें मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा वास्तविक समय की सलाह के लिए सोशल मीडिया पर समूह भी बनाए गए। एजाज गिरी की रिपोर्ट, R9 भारत। आर्मी की तरफ से यहाँ ठाठी में प्रोग्राम रखा था, मशरूम कल्टीवेशन सबसे अच्छा प्रोग्राम था ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि कैसे इसको कल्टीवेट, कैसे इसको तैयार किया जाए। इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यानी कि पूरी अवेयरनेस मिली और साथ साथ में मशरूम के कुछ मटेरियल तैयार करने के लिए जो मटेरियल लगता है वो हमें मिल गया। हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं इंडियन आर्मी का। 30 किलो तक निकल रहे हैं और इसमें मेहनत की कमी लगती है। 30 दिन के बाद फसल देना शुरू हो जाता है और 1.5-2 महीने तक इसकी फसल चलती है। मशरूम के से इनकम की बात अगर हम करें, मशरूम एक ऐसी चीज है जैसे मेरे शमी सर ने अभी कहा कि अगर हेल्थ बेनिफिट्स देखा जाए, विटामिन्स देखा जाए, खास करके हार्ट पेशेंट और डायबिटीज वाले को डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं।